गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम, कैम छो दोस्तों। होप सो आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और COVID-19 से बचे भी होंगे। सो गाइस, आज हम फिर आपके सामने एक जनरल एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके IBPS AFO और RRBSO दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे आज एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि DDASO की एग्जाम डेट आ चुकी है और रिसेंट हम 19th ऑफ या 20th ऑफ अक्टूबर से एक नया बैच आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं IBPS AFO के लिए। और जो भी स्टूडेंट एनरोल करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी। और आने वाले टाइम के लिए हम आप लोगों को बेहतरीन फैकल्टीज और बेहतरीन जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको सेपरेट सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करवाने वाले हैं। PDF वगैरह तैयार हो चुके हैं। विद इन 15 डेज के अंदर हम आप सभी को हर एक चीज का जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको अलग से प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज जो है वो आपको अलग से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी पार्ट के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ओके गाइज, सो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं और कैसे हमें उनको सॉल्व आउट करना है। सो गाइज, आपका पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन ईयर। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो आपका कब आया था या किस टाइम इसको प्रमोट करवाने का काम किया गया था। 1995, 2000, 2005, 2010। सो गाइज, इसको एक बार आंसर करने से पहले आप लोग पहले सोच लीजिए, अपना आंसर कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के अंदर आपका जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है NPOP, ये किसके द्वारा रन किया जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें होता क्या है, आप करना क्या चाहते हो एक्चुअल के अंदर, है ना, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उन दोनों चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। सो ये आपका जो NPOP है ना, ये इंप्लीमेंट किया जाता है एपिडा के द्वारा। एपिडा आप जानते हैं, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसके अंडर में आता है। और इसके अंडर में क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके लिए आपका एक फार्म जो है या फिर आपके जो प्रोडक्ट होते हैं फार्म के, वो आपको कहीं ना कहीं एक लेबलिंग मिल जाती है, उसके लिए एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो ये आपका जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो 2000 के अंदर इंडिया में आपका लॉन्च किया गया था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। और ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, एपिडा के द्वारा। एपिडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है। तो बहुत सारे बच्चों के ये कई बार होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिगेशन इज गिवन एट ब्रांचिंग एंड पोड फॉर्मेशन स्टेज इन सीरियल्स ओनली, पल्सेस एंड पोड, फॉरेस्ट क्रॉप, पल्सेस क्रॉप और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है इरिगेशन। इरिगेशन का हमें पता है कि जो हम आर्टिफिशियली जो आपका वाटर एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज द इरिगेशन, एंड इट इज गिवन एट ब्रांचिंग एंड पोड फॉर्मेशन स्टेज और पोड डेवलपमेंट स्टेज। सो गाइज, आपको पता होना चाहिए ब्रांचेस जो है हर एक के अंदर आता है, लेकिन पोड डेवलपमेंट स्टेज, क्या सीरियल्स में पोड डेवलपमेंट होता है ना, नहीं होता। आपका फोरेजेस में नहीं होता पोड डेवलपमेंट, मेडिसिनली एरोमेटिक प्लांट में आपका जो पोड फॉर्मेशन होता है नहीं होता, लेकिन पल्सेस क्रॉप के अंदर आपके क्या होते हैं, पोड फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, या फिर मान के चलिए किसी में पोड आ रहा है तो हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट उस टाइम है या नहीं है ना, वो भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि ब्रांचिंग और पोड, जो पोड फॉर्मेशन स्टेज है उस समय जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी केवल किसमें होती है, पल्सेस के अंदर होती है। तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजीज कंफ्यूज करेंगी। सबसे पहले जैसे कि क्योरिंग है, रेटिंग है, नेटिंग है, वेटिंग है, आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बिकॉज यहाँ स्टूडेंट जो है वो रेटिंग के अंदर और स्ट्रिपिंग के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं जूट के अंदर जो होता है ये प्रोसेस हमारी क्या होता है, देखिए स्ट्रिपिंग और रेटिंग दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। दोनों में ये सोचा जाता है कि शायद ये प्रोसेस स्ट्रिपिंग है, शायद ये प्रोसेस रेटिंग है, बट द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर मींस आपका जो फाइबर है वो लूज हो रहा है। इसके अंदर ये नहीं बोला जा रहा कि सेपरेट हो रहा है। इफ यू टॉक अबाउट सेपरेशन देन इट मीन्स स्ट्रिपिंग, बट इफ यू टॉक अबाउट लूजनिंग ऑफ द फाइबर देन इट मीन्स इट इज रेटिंग। ओके, बिकॉज क्या होता है, आपका रेटिंग के अंदर जो आपका जूट है उसको पानी में भिगो के रखा जाता है ना, और ये प्रोसेस आपकी 8 से 30 दिन तक के लिए होती है ना, और इसमें आपका 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको इसको रखा जाता है। तो होप्सो आपको पता होगा इसके अंदर, और ये कहीं ना कहीं माइक्रोबियल प्रोसेस होती है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वाटर के अंदर जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज है, ड्यू टू दैट दिस प्रोसेस कैन बी हैंडल्ड। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है यहाँ पर प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज, है ना, तो ये आपका एक इस प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रेटिंग। ओके, स्ट्रिपिंग इसका आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन में स्ट्रिपिंग होता तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो इसका आंसर क्या कर देते, स्ट्रिपिंग कर देते, बट लूजनिंग की बात हो रही है, नॉट आपका सेपरेशन ऑफ फाइबर की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है रिंगिंग इज टाइप ऑफ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट दैट व्हाट इज द रिंगिंग, है ना, क्योंकि रिंगिंग के अंदर आपके क्वेश्चंस की प्रॉब्लम कहाँ आती है ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि रिंगिंग है क्या यार, है ना, ये प्रोसेस जो हो रही है क्या हमारे लिए, हम समझ पा रहे हैं इसके अंदर, है ना, तो रिंगिंग क्या है, आपका गिडलिंग क्या है, नोचिंग क्या है, बेंडिंग क्या है, एंड रूट प्रूनिंग क्या है। वैसे तो मैंने आपको हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन के लिए एक पूरी की पूरी वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड करवाई हुई है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रिंगिंग की, तो रिंगिंग क्या है, प्रूनिंग, ट्रेनिंग, या आपका कटिंग, या फिर हम बात करें यहाँ पर लेयरिंग। तो वैसे गाइज आपको पता होगा कि प्रूनिंग और ट्रूनिंग ट्रेनिंग जो है वो एक प्रकार में अपने आप में ऑपरेशन है ना, लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा कि एक्स्ट्रा ब्रांचेस को रिमूव करना वो आपका क्या होता है, प्रूनिंग होता है ना। लेकिन यहाँ पर रिंगिंग जो है, जब एक्चुअल के अंदर हम वैसे नहीं मानते हैं कि रिंगिंग एक प्रूनिंग का टाइप है, लेकिन अगर हम इसको मानने में या फिर इसको डिवाइड करने में बात करें तो इसको प्रूनिंग के अंडर में माना जाता है। ठीक है, और रिंगिंग में या गिडलिंग में होता क्या है, रिंगिंग या गिडलिंग दोनों में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए ये आपका स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक बार्क होती है ना, आपकी छाल होती है, इस बार्क को आपको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। लेकिन ये आपका दोनों में अलग अलग कह मतलब एक प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर रिंगिंग की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, आपकी बार्क को रिमूव किया जाएगा 1 से 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, अराउंड द पूरा का पूरा उसकी चारों ओर। और गिडलिंग में क्या होता है कि इसके अंदर आपके नाइफ से एक माइल्डर ट्रीटमेंट दिया जाता है, दोनों एक ही बात होती है नियर अबाउट, लेकिन इसमें क्या रहेगा, एक माइल्डर ट्रीटमेंट मींस कि इसके अंदर आपकी बार्क को रिमूव किया जाएगा, नॉट वुड, वुड को यहाँ पर इफेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, और या फिर इसके अंदर चारों ओर एक तार बांध दी जाती है, वो भी आपका गिडलिंग का ही टाइप होता है, मतलब ये स्टेम है, स्टेम के चारों ओर क्या कर दिया जाएगा, एक कसकर तार बांध दी जाएगी, वो भी क्या होती है, गिडलिंग होती है। लेकिन ये रिंगिंग या गिडलिंग करते क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, रिंगिंग या गिडलिंग करने से स्टेम का जिस पार्ट पे किया जाएगा उससे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर क्या हो जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन इसलिए इंक्रीज किया जाता है ताकि इसके अंदर आपका वेजिटेटिव ग्रोथ रुक सके, आपका रूट का ग्रोथ भी रुक सके, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेंट नीचे नहीं जाएगा, आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट नीचे नहीं जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, आपका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज्यादा होने वाला है। और वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ एक चीज और भी होने वाली है, वो क्या, आपका कहीं ना कहीं फ्लावर जो है, नंबर ऑफ फ्लावर यहाँ पर ज्यादा आते हैं, और ज्यादातर ये जो मैंगो ट्री होते हैं उनके अंदर ये किया जाता है, और आपका कहीं ना कहीं सीएन रेशियो भी वाइड किया जाता है इसके अंदर, और सीएन रेशियो वाइड होता है तो आपको पता होना चाहिए फ्लावरिंग जो है वो इंक्रीज होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि रिंगिंग क्या है और रिंगिंग किसका टाइप है। तो रिंगिंग टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जस्ट आपको पता है कि ये प्रूनिंग का टाइप आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि रिंगिंग करते क्यों है, गिडलिंग करते क्यों है, नोचिंग क्या होता है, नोचिंग भी सेम टाइप ऑफ रिंगिंग होता है, बट इसके अंदर आपका केवल ऊपर से बार्क को 0.2 सेंटीमीटर से 0.5 सेंटीमीटर तक रिमूव किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम आपका डोरमेंट बड मतलब जो होती है उसको कहीं ना कहीं कट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं उसको रोकने के लिए जो है इसी प्रोसेस को किया जाता है, और
ये ज्यादातर आपका फिग के अंदर किया जाता है क्या? नोचिंग। तो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि नोचिंग कौन से प्लांट में होता है, नोचिंग आपका फिग के अंदर ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। और बेंडिंग किस में होता है, तो वो गुआवा में होता है ना। तो हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, स्मजिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्मजिंग आपने पढ़ा होगा कि स्मजिंग जो है स्मोकिंग करना होता है ना, तो वो आपका उस चीजों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक बार फिर आपका कहीं ना कहीं किसी वीडियोज में, आपको अच्छे से इन चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइजोम इज ए। राइजोम क्या है? स्पेशलाइज स्टेम है, स्पेशलाइज ट्यूबर है, या फिर स्पेशलाइज कॉम है, या फिर स्पेशलाइज बल्ब है। तो आप जानते हैं राइजोम इज स्पेशलाइज ऑफ स्टेम है ना। और राइजोम के टाइप क्या क्या है, तो आपका जिंजर बोल सकते हो, टर्मेरिक बोल सकते हो, दोनों ही क्या है आपके राइजोम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिल्वर सूट इन राइस इज कॉज बाय। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू नो अबाउट द सिल्वर सूट? सो गाइज इसका आपका आंसर जो होगा वो गालमीज होगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। एंड एक्चुअली साइंटिफिक नेम ऑफ गालवीज इज ऑर्शियोलिया ओराइजे, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है आपका गालमीज का। ये एक इंसेक्ट है जिसकी वजह से सिल्वर सूट आपको देखने को मिलता है, या फिर इसको आप अनियन लीफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनियन लीफ। और ये कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाता है, जिस भी प्लांट को है ना, अफेक्टेड प्लांट के ऊपर कभी भी आपका, या अफेक्टेड टीलर्स के ऊपर कभी भी आपके पेनिकल इमर्ज आउट नहीं होते। पेनिकल इमर्ज आउट नहीं होंगे इसका मतलब फ्लावरिंग नहीं आएगी, और फ्लावरिंग नहीं आएगी तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो ग्रेन नहीं बनेगा, ग्रेन नहीं बनेगा तो आपका ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक यील्ड आपकी इफेक्ट हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये आपको होप सो समझ में आया होगा अच्छे से कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द सिल्वर सूट इज कॉज्ड बाय इन राइस इज गॉलमेज। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ जिप्रेलिक एसिड फॉर ट्रीटिंग सी टू ब्रेक देयर डोरमेंसी पीरियड। सो गाइस हियर इज द कंसेंट्रेशन ऑफ जिप्रेलिक एसिड इज आस्क्ड दैट व्हाट अमाउंट जिप्रेलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ मींस की सीड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको पता होना चाहिए कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो एक जिब्रेलिन हार्मोन होता है, और जिब्रेलिन हार्मोन का GA3 जो टाइप है वो सबसे मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है जो कि पाई जाती है। और कहीं ना कहीं जिब्रेलिन की अगर मैं बात करता हूँ, तो जिबरलिन एक सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि ब्रेकिंग डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। और जिबरलिन की जब भी बात करेंगे तो इसकी कंसेंट्रेशन वैसे 500 होती है जो आपकी रिक्वायर्ड होती है। कंसेंट्रेशन इतनी एग्जाम्स में फिर भी नहीं पूछी जाती, लेकिन ये पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है आपकी डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो कई बार साइटोकाइनिन ऑप्शन में होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर साइटोकाइनिन को छोड़कर हम क्या करेंगे, जिबरलिन को करेंगे जब भी ऐसा आपका ऑप्शन में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द राइजोबियम स्पीसीज सूटेबल फॉर ग्राउंडनट इज। जो आपकी राइजोबियम स्पीसीज है ग्राउंडनट के लिए कौन सी सूटेबल है, तो आप जैसा कि जानते हैं काओपी मिसलेनिया जो है वो आपकी सूटेबल स्पीसीज है ग्राउंडनट के लिए, ठीक है। और बाकी और भी क्रॉप्स के अलग अलग हैं, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे नोट्स में भी ये चीज अवेलेबल आपको है। नेक्स्ट है द क्रॉपिंग सिस्टम अडॉप्टेड फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग इज मेंट टू बी। आपका जो ड्राईलैंड फार्मिंग है उसके अंदर क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, डबल क्रॉपिंग सिस्टम, या इंटर क्रॉपिंग सिस्टम, या बोथ ए एंड सी। सो गाइज ड्राईलैंड फार्मिंग है, ऑब्वियस ही बात है वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो लेस होगी तो ऑब्वियस ही बात है सिंगल क्रॉपिंग तो की जा सकती है, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, कम पानी होगा तो सिंगल क्रॉपिंग किया जा सकता है। और कई बार क्या हो जाता है ड्राईलैंड एरिया में वाटर की अवेलेबिलिटी अगर वन टाइम इंक्रीज हो जाती है, लाइक इन द मानसून सीजन है ना, मानसून सीजन में अगर एक बार आपका बारिश ज्यादा आ जाती है तो उस केस में आप इंटरक्रॉपिंग भी पॉसिबल है, लेकिन डबल क्रॉपिंग कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में बिकॉज ऑफ द लेस वाटर अवेलेबिलिटी। सो गाइज आंसर आपका क्या जाएगा यहाँ पर, बोथ ए एंड सी है ना। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली टेकिंग, एंड हमें ऑप्शंस को इस प्रकार से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो उसके बाद हमारे जो आंसर बचते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर ये तुक्का नहीं है ना, ये तुक्का नहीं लगाना है, या फिर हमें इस चीज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट में नहीं लेके जाना, इसको पॉजिटिव इफेक्ट में लेना है कि कैसे हम जो आपके क्वेश्चन के ऑप्शन है उसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड एक्यूमुलेट अंडर द मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन। जहां पर आपका वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, उस समय कौन सा एमिनो एसिड जो होता है वो प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं जैसे ही आपकी मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन आती है, ड्रोट कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आपके प्लांट के अंदर प्रोलीन हॉर्मोन जो है सिक्रेट होता है। ये आपका
प्लांट के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट को डाई होने से, मरने से कुछ टाइम तक के लिए ये बचा लेता है ना। तो ये आपका कौन सा हार्मोन होगा, प्रोलिन हार्मोन, या सॉरी प्रोलिन एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, प्रोलिन एमिनो एसिड। तो ये नेक्स्ट आप, कप शेप कोरोला इज प्रेजेंट इन विच वीट, कौन से वीट के अंदर कप शेप कोरोला आपका होता है, कॉनवोलस आरवेंसिस, कॉमिलिनिया बैगनेंसिस, बॉटल ब्रश या चिकोरी। तो गाइस आप जानते हैं कॉनवोलस आरवेंसिस के अंदर जो है वो आपका कप शेप कोरोला जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो होप सो इसका आंसर आपको मिला होगा। देखिए ये ICRJRFPG 2020 में आया था, और कहीं ना कहीं मैं इसको, मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है क्वेश्चन, आप बोल रहे होंगे सर आपने जो है हेडिंग दिया है, इसका जो थंबनेल बनाया है वो IBPS AFO बनाया है और यहाँ पर ICRJR दे रहे हैं। देखो गाइस IBPS AFO जो है कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपका RRBSO के अंदर भी JRF के पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप एक काम करना, प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो ICRJRF के हैं उनको देख के जाना जब आप एग्जाम देने जाते हो। ओके, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उन एग्जाम से आपके सिमिलर होते हैं, तो एज इट इज आपको आंसर करने को मिल जाएगा। देन इट वुड बी बेटर है ना कि हम उसको एनालिसिस तो करना है, क्या हो जाएगा आपके 100 क्वेश्चन है 10 साल को कर लिया तो 1000 क्वेश्चन नए पढ़ने को मिले है ना। तो क्वेश्चन तो वही है ना, क्या ICR एक बड़ी चीज है एग्रीकल्चर के अंदर या IBPS AFO बड़ी चीज है? ICR बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना एग्रीकल्चर के अंदर में, तो वो लोग जो पेपर बनाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपका IBPS AFO उसको फॉलो अप कर सकता है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर उन क्वेश्चंस को भी टारगेट किया है जो इंपॉर्टेंट लगते हैं और खासकर वीड से है ना। तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, और भी बाकी अगर कुछ आपके डिमांड्स हो कि कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आप उनको पूरा करेंगे और आने वाले टाइम के लिए आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।